A good morning to all of you. Today in our translation class, we are going to translate a story from Hindi to English. So our story is Bhed Charane Wala Jhuta Ladka Aur Bhediya. Bhed Charane Wala Jhuta Ladka Aur Bhediya. बच्चों आपको क्या करना है, अब आपको स्टोरी को पहले हिंदी में रीड करना है, उसके बाद इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। किस में ट्रांसलेट करना है बच्चों? इंग्लिश में। सबसे पहले आपको सिंगल सिंगल सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है, उसके बाद हम अपनी पूरी स्टोरी को इंग्लिश में रीड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भेड़ चराने वाला झूठा लड़का और भेड़िया, इस स्टोरी में क्या था अब रीड करते हैं। एक बार एक गडरिया लड़का था, वह गांव के बाहर अपनी भेड़ें चराता था। पास ही एक जंगल था। एक दिन गडरिया लड़का अपनी भेड़ें चरा रहा था। उसने गांव वालों का मजाक उड़ाने की सोची। उसने चिल्लाना आरंभ कर दिया, भेड़िया भेड़िया आओ आओ मुझे बचाओ, आओ और मुझे बचाओ। गांव के लोग भागे आए पर वहां कोई भेड़िया नहीं था। उसने कहा कि यह तो मजाक था। गांव वाले बहुत नाराज हुए, वे चले गए। एक दिन एक भेड़िया सच में आ गया। गडरिया लड़का सहायता के लिए चिल्लाया, मगर गांव वालों ने सोचा कि वह मजाक कर रहा है, वे नहीं आए। भेड़िए ने बहुत सी भेड़ें मार दी, उसने लड़के को घायल कर दिया। लड़के ने सबक सीख लिया, उसने उसके बाद झूठ नहीं बोला। शिक्षा, कभी झूठ मत बोलो। बच्चों आपको स्टोरी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? अब हम अपनी स्टोरी को सिंगल सिंगल सेंटेंसेस में ट्रांसलेट करना स्टार्ट करते हैं। भेड़ चराने वाला झूठा लड़का और भेड़िया। भेड़ चराने वाला शेपर्ड बॉय, झूठा लायर, भेड़िया वुल्फ। शेपर्ड लायर बॉय एंड वुल्फ। एक गडरिया लड़का शेपर्ड बॉय। वंस देयर वाज अ शेपर्ड बॉय। वह ही गांव के बाहर आउटसाइड द विलेज अपनी हिज भेड़े शीप चराता था। ग्रेज, ही यूज्ड टू ग्रेज हिज शीप आउटसाइड द विलेज। पास ही एक जंगल था। पास ही नियर बाई एक अ जंगल फॉरेस्ट। देयर वॉज अ फॉरेस्ट नियर बाई। देयर वॉज अ फॉरेस्ट नियर बाई। एक दिन गडरिया लड़का अपनी भेड़ें चरा रहा था। एक दिन वन डे गडरिया लड़का शेपर्ड बॉय अपनी भेड़ें हिज शीप चरा रहा था। ग्रेज, वन डे द शेपर्ड बॉय वॉज ग्रेजिंग हिज शीप। वन डे द शेपर्ड बॉय वॉज ग्रेजिंग हिज शीप। ने गांव वालों का मजाक उड़ाने की सोची। उसने ही गांव वालों का विलेजर्स मजाक फन सोची थॉट। ही थॉट ऑफ मेकिंग फन ऑफ विलेजर्स।
ही थॉट मेकिंग फन ऑफ विलेजर्स। उसने चिल्लाना आरंभ किया, उसने ही चिल्लाना शाउटिंग आरंभ किया। स्टार्ट, ही स्टार्टेड शाउटिंग। भेड़िया भेड़िया, वुल्फ वुल्फ, भेड़िया भेड़िया, वुल्फ वुल्फ। आओ और मुझको बचाओ, आओ कम और एंड मुझको मी बचाओ सेव, कम एंड सेव मी। ही स्टार्टेड शाउटिंग वॉल्फ वॉल्फ, कम एंड हेल्प मी। गांव के लोग भागे आए, गांव के लोग विलेजर्स या फिर पीपल ऑफ विलेज। गांव विलेज, लोग पीपल, पीपल ऑफ विलेज। भागे रन आए कम, द पीपल ऑफ विलेज कम रनिंग, द पीपल ऑफ विलेज कम रनिंग। पर वहां कोई भेड़िया नहीं था, पर बट वहां देयर कोई नो भेड़िया वुल्फ, बट देयर वॉज नो वुल्फ, बट देयर वॉज नो वुल्फ। उसने कहा कि यह तो मजाक था, उसने ही कहा सेड कि दैट यह इट मजाक था जोक। ही सेड दैट इट वॉज जोक, ही सेड दैट इट वॉज जोक। गांव वाले बहुत नाराज हुए, गांव वाले विलेजर्स बहुत वेरी नाराज एंग्री। द विलेजर्स बिकेम वेरी एंग्री, द विलेजर्स बिकेम वेरी एंग्री। वे चले गए, वे दे चले गए वॉक अवे, दे वॉक अवे। एक दिन एक भेड़िया सच में आ गया, एक दिन वन डे एक भेड़िया अ वुल्फ सच में रियल आ गया कम। वन डे अ वुल्फ रियली केम, वन डे अ वुल्फ रियली केम। गडरिया लड़का सहायता के लिए चिल्लाया, गडरिया लड़का शेपर्ड बॉय सहायता हेल्प चिल्लाया शाउट। द शेपर्ड बॉय शाउटेड फॉर हेल्प, द शेपर्ड बॉय शाउटेड फॉर हेल्प। मगर गांव वालों ने सोचा कि वह मजाक कर रहा है, मगर बट गांव वालों विलेजर्स ने सोचा, थॉट कि दैट वह ही मजाक जोक। बट द विलेजर्स थॉट दैट ही वॉज जोकिंग, बट द विलेजर्स थॉट दैट ही वॉज जोकिंग। वे नहीं आए, वे दे नहीं आए, डिंट कम, दे डिंट कम, दे डिड नॉट कम। वे नहीं आए, दे डिड नॉट कम। भेड़िए ने बहुत सी भेड़ें मार दी, भेड़िए वुल्फ बहुत सी
मैनी भेड़े शीप मार्दी किल। द वुल्फ किल्ड मैनी शीप। द वुल्फ किल्ड मैनी शीप। उसने लड़के को घायल कर दिया। उसने ही लड़के बॉय घायल इंजर्ड ही इंजर्ड द बॉय ही इंजर्ड द बॉय ही इंजर्ड द बॉय। लड़के ने सबक सीख लिया। लड़के द बॉय सबक लेसन सीख लिया। लर्न द बॉय लर्न हिज लेसन। द बॉय लर्न हिज लेसन। उसने उसके बाद झूठ नहीं बोला। उसने ही उसके बाद आफ्टर दैट झूठ लाई नहीं बोला। ही डिड नॉट टेल अ लाई आफ्टर दैट। उसने उसके बाद झूठ नहीं बोला। उसने ही उसके बाद आफ्टर डेट झूठ नहीं बोला। टेल अ लाई ही डिड नॉट टेल अ लाई आफ्टर डेट। शिक्षा मोरल ऑफ द स्टोरी कभी झूठ मत बोलो। कभी नेवर झूठ लाई मत बोलो। टेल नेवर टेल अ लाई। मोरल ऑफ द स्टोरी नेवर टेल अ लाई। बच्चों अब आपको ये स्टोरी अपनी ट्रांसलेशन की नोटबुक में राइट करनी है विदाउट एनी हेल्प। ओके।